अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे बेसिकली वो आज हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सेकेंड ईयर के कि आप स्टार्ट करें डेरिवेटिव, तो मैं स्टार्ट करता हूँ डेरिवेटिव। आज जो हमारा बेसिक लेक्चर होगा कि डेरिवेटिव के रूल क्या है, इसको हम किस तरह अप्लाई करते हैं, और फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर से मैं आपके लिए क्वेश्चन यानी कि जो कराची बोर्ड है सिंध बोर्ड उसके क्वेश्चन को फिर मैं सॉल्व करना शुरू करूँगा। अच्छा, ये सिर्फ सिंध बोर्ड के लिए जरूरी नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ता है या कहीं भी वो स्टडी कर रहा है और वो उसके टॉपिक में मैथ है या फिर फिजिक्स है, तो आपको फिर मैं कहूँगा कि लाजमी आपको डेरिवेटिव आना चाहिए। उम्मीद करूँगा कि बहुत ईजी करके आपको समझाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव से पहले हम पढ़ेंगे इसके रूल को कि डेरिवेटिव के रूल हमारे पास क्या है। अगर मैं कहूँ कि रूल, तो हमें सबसे पहले जो डेरिवेटिव में देखना है वो रूल को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव में हम करते क्या है। डेरिवेटिव में बेसिकली जो है हम चेंज फाइंड करते हैं, यानी किसी भी चीज में कितना चेंज आ रहा है किसी एक खास पर्टिकुलर रिस्पेक्ट से, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि आप कहते हो वेलोसिटी, तो आप कहते हो कि डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। इसी वेलोसिटी को हम डेरिवेटिव के जरिए फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप पढ़ते हो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी में कितना चेंज है तो यहाँ पर क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। पुल वगैरह में आप देखते हो कि कुछ डिस्टेंस के बाद रॉड लगे हुए रहते हैं, तो रॉड क्यों लगे हुए रहते हैं, जाहिर सी बात है आप जानते हो कि टेम्परेचर की वजह का चीज़ें फैलती हैं, सुखड़ती हैं, तो किस मटेरियल में किस जगह कितना टेम्परेचर होता है उसके लिहाज से कितना इफेक्ट पड़ेगा पुल के ऊपर, इसलिए वो क्या करते हैं, पुल रॉड लगा रहे होते हैं डिफरेंट डिस्टेंस पर। इसके अलावा आप मेडिसिन लेते हो, मेडिसिन में आप देखते हो एक टाइम पीरियड होता है कि कितने टाइम के बाद आपका मेडिसिन ख़राब हो जाएगा, तो ये हर एक चीज़ जो हम कैलकुलेट करते हैं किसके जरिए, डेरिवेटिव के जरिए, ठीक है। अच्छा, इसका हमारे पास पहला फर्स्ट प्रिंसिपल है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल को मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, पहले जो उसके बाद जो मॉडिफाई है हमारे पास उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव का मतलब क्या है, वो चीज़ जिसमें हम क्या करें, चेंज फाइंड करें। अब अगर मैं कहूँ कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट आप जानते हो कॉन्स्टेंट क्या होता है, हम जानते हैं कॉन्स्टेंट वो क्वान्टिटी है या वो चीज़ है जो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि कॉन्स्टेंट में कितना चेंज आएगा, तो आप क्या कहोगे, कॉन्स्टेंट में कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब चेंज नहीं आने का मतलब है कि कॉन्स्टेंट हमारा जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो उसको मैं लिख सकता हूँ डी बाय, जो इसका सिंबल है हमारे पास जो ऑपरेटर है वो डी बाय, और नीचे हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल, जिस वेरिएबल के लिहाज से आप क्या कर रहे हो, चेंज फाइंड करते हो, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूं कि हम एक्स के लिहाज से चल रहे हैं, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, डी बाय डी एक्स। किसका हमें चेंज फाइंड करना है, कॉन्स्टेंट का। तो कोई भी कॉन्स्टेंट है हमारे पास, जो कभी भी कॉन्स्टेंट का जिक्र आता है डेरिवेटिव में, तो हम कहते हैं कि कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, जो चीज आपको समझना है बहुत अच्छे से, वो क्या है हमारे पास कि डी बाय डी एक्स, यानी कि अगर हम x के लिहाज से चेंज फाइंड कर रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं, और उसी वेरिएबल का हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव ले, यानी कि डी एक्स बाय डी एक्स, तो ये आपका किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है, ठीक है। ये भी बहुत यूज होने वाली प्रॉपर्टी है कि डी एक्स बाय डी एक्स किसके बराबर होता है, वन के। सेकेंड थिंग हम कहते हैं यहां पर हमारे पास जो थर्ड नंबर पे है कि डी बाय डी एक्स ए एक्स, यानी कि ए एक्स का कॉफिशियंट है, आप जानते हो, ठीक है। जब कोई कॉन्स्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या कहलाता है, उसका कॉफिशियंट कहलाता है। तो यहां पर ए एक्स से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर जो ए है वो बेसिकली एक्स का कॉफिशियंट है। तो हम कहते हैं कि कॉफिशियंट को, यानी कि कॉफिशियंट पर हम डेरिवेटिव को अप्लाई नहीं करते, ये जब कभी भी कॉफिशियंट आएगा तो हम कॉफिशियंट को बाहर लिखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ जो डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे वो किस पे अप्लाई करेंगे, वेरिएबल पर, यानी कि ए को हम बाहर लिख देंगे, हम क्या करेंगे, डी एक्स बाय डी एक्स, ठीक है। इसके बाद पावर रूल हमारे पास है जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, और आपको बहुत अच्छे से समझना है इस रूल को कि आपके पास हम कहते हैं कि डी बाय डी एक्स, ठीक है। कोई भी फंक्शन है आपके पास, सपोज कर लो हम फंक्शन कहते हैं एफ ऑफ एक्स, और उसकी पावर है कुछ, ठीक है।
तो हम कहते हैं कि जब तक फंक्शन के ऊपर पावर होगा उस वक्त तक हम डेरिवेटिव को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पावर को खत्म करना होगा। तो पावर को खत्म करने के लिए हमारे पास जो रूल है वो क्या है कि सबसे पहले हम लिखेंगे पावर को, जो भी पावर है आप उसको लिख दोगे। पावर को लिखने के बाद आपको क्या करना है, उस फंक्शन से एक पावर को माइनस करना है, ठीक है। यानी कि मैं लिखूंगा कि f ऑफ x की पावर n माइनस वन, ठीक है। एक पावर को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि उस फंक्शन पर हम डेरिवेटिव को अप्लाई कर देंगे, यानी कि dx d by dx f ऑफ x, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बेसिक रूल है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं और फिर मैं आपको इसके कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन क्या है हमारे पास, कि f ऑफ x इक्वल टू 3x³ + 9x² + 12x और आखिर में हमारे पास क्या है, +5 है, ठीक है। मैं कोई भी एक फंक्शन क्या कर लेता हूं, सपोज कर लेता हूं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पर डेरिवेटिव को अप्लाई करना है। जब इस पर हम डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव को अप्लाई करने के लिए हम लिखेंगे बोथ साइड के टेकिंग डी बाय डी एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। हम सबसे पहले डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करेंगे, डी बाय डी एक्स को, क्योंकि यहां पर जो हमारे पास वेरिएबल गिवन है वो वेरिएबल हमारे पास क्या है, एक्स है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे। अगर यहां पर वेरिएबल u होगा तो आपको u के लिहाज से लेना होगा, यानी कि d by du। अगर वेरिएबल हमारा t होगा तो हम क्या करेंगे, t के लिहाज से लेंगे, यानी कि d by dt। तो हमारे पास चूंकि x है तो हमने क्या लिया, d by dx। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड d by dx f of x। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 यहां पर आपको दिख रहा है कि 3 क्या है, कोफिशिएंट है, और कॉफिशियंट पर हम डेरिवेटिव को अप्लाई नहीं करते। इसका मतलब मैं इसको लिखूंगा 3d/dx(x³). इसी तरह हमारे पास जो 9 है ये हमारे पास क्या है, कॉफिशियंट है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि कॉफिशियंट पर हम डेरिवेटिव को अप्लाई नहीं करते। तो उसको मैं लिख सकता हूं 9d/dx(x²), सिमिलरली 12d/dx(x) + d/dx(5), ठीक है, डन। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि यहां 12 को बाहर निकाल लें और यहां पर 5 को हम बाहर नहीं निकाल लें। 5 भी नंबर है, 12 भी नंबर है। तो मैंने आपको बताया कि आपको इसमें डिफरेंस रखना पड़ेगा कॉफिशिएंट और कांस्टेंट पे, ठीक है। जब कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या कहलाता है, कॉफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि ये 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये कांस्टेंट एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे। सिमिलरली 9 क्या हो रहा है, x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब 9 वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो 9 हमारा क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। इसी तरह हमारे पास 12 है, 12 क्या हो रहा है, वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, 12 हमारा क्या है, कोफिशिएंट है। चूंकि 5 के साथ कोई वेरिएबल हमें नहीं दिख रहा तो उसका मतलब क्या है कि हम 5 को क्या कहेंगे, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम लेते हैं जो कि क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब मैं यहां पर ये वाला रूल मैंने यहां पर क्या क्या अप्लाई कर दिया, ठीक है, हर एक टर्म पर। अब डिफरेंट रूल अप्लाई करूंगा यहां पर, 3 को हम वैसे लिखेंगे। अब आप यहां देखें, अब मैं इस रूल को अप्लाई करूंगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, x³, मतलब पावर 3 है, और मैंने आपको क्या कहा, जब तक पावर रहेगा हम डेरिवेटिव को अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पावर को खत्म करना होगा। तो पावर को खत्म करने के लिए मैंने आपको रूल बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर को लिखेंगे। पावर को लिखने के बाद उस पावर में हम क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, यानी कि x की पावर 3-1। अब ये हमने बेसिक रूल को अप्लाई कर दिया, यानी कि सबसे पहले हमने पावर लिख दिया, उसके बाद पावर लिखने के बाद हमने क्या किया, एक पावर को कम कर दिया, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अपने वेरिएबल पर डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे। वेरिएबल हमारा क्या है, फंक्शन हमारा क्या है, x है। तो सो लिख सकता हूं d/dx(x), ठीक है। सिमिलरली हमारे पास अब इस फॉर्म के लिए हम काम करेंगे, 9 को तो हम वैसे लिखेंगे, अगेन हमारे पास क्या आ गया, x² मतलब पावर 2, यानी कि हमें पहले पावर 2 को खत्म करना होगा। पावर 2 को खत्म करने के लिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम लिखेंगे पावर, उसके बाद पावर में हम क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, देन, और फिर हम क्या करेंगे, इस पे डेरिवेटिव को अप्लाई कर देंगे, यानी कि
ये हमारे पास हो जाएगा x पावर को हटाकर। उसके बाद हमारे पास क्या है 12। अब हमें दिख रहा है कि dx by dx, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर और नीचे आपके पास क्या होगा सेम होगा, तो dx by dx आपका किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो dx by dx जगह मैं लिख सकता हूं 1, और आखिर में हमारे पास क्या है d by dx 5, यानी कि 5 हमारा क्या है कॉन्स्टेंट है। और मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ये वाला रूल आपके पास पहला रूल, ठीक है। तो रूल के मुताबिक मैं यहां पर लिख सकता हूं 0, ठीक है। अब इसे हम सिंपलीफाई करेंगे, तो आप जानते हो 3 मल्टीप्लाई से हमारे पास कितना होता है 9। एक्स में जो आप क्या करोगे एक पावर कम करोगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसी तरह डी एक्स बाई डी एक्स किसके बराबर होता है 1 के। सिमिलरली हमारे पास क्या है 9 मल्टीप्लाई टू हमारे पास होता है 18। एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना होता है 1, और पावर 1 को हम शो नहीं करते। इसी तरह हमारे पास क्या है डी एक्स बाई डी एक्स, तो ये किसके बराबर होता है 1 के। यहां पर हमारे पास क्या होगा 12 मल्टीप्लाई 1 12, और 0 को फिर हम नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 12, ये हमारे पास क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, चूंकि वीडियो लेंथी है काफी, पहले से ज्यादा लेंथी हो रही है। तो चूंकि इनिशियल वीडियो हमारा जिसमें आपको क्या कर रहा हूं बेसिक बता रहा हूं, इसे एक एग्जाम्पल मैंने क्या किया, सारे रूल को समझाया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करूंगा एक्सरसाइज 4.1 से, और इंशाल्लाह फिर इस तरह तरतीब से मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।